हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट। ये देखिए कितना चीज़ी और यम्मी पिज़्ज़ा है हमारा। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट। ये हमने एक रोटी ली है। रोटी हमारे घर में अक्सर बच जाती है और उससे वेस्ट होने से हम उसको एक पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने रोटी का पिज़्ज़ा बाइट कट कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हमने तेल गर्म होने रख रखा है। ये देखिए, तो हम रोटी को इसमें एक पीस उठा कर डालेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। हमें रोटी को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लेंगे इसमें। ये देखिए, हो चुकी हमारी फ्राई है। अब हम इसे निकालेंगे बाहर। हमने सारे पीस फ्राई कर लिए थे। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अपनी सभी बाइट पर। बहुत ही जल्दी बन जाता है और 2 मिनट में बन जाता है पिज़्ज़ा ये। इसमें हमने ऑनियन डाल दी है, जितनी वेजी टमाटर डाले हैं और कैप्सिकम डालेंगे थोड़े से। आप इसमें जितनी वेजी ऐड करना चाहो कर सकते हैं और कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। थोड़ा इसमें हम कैप्सिकम भी डाल देते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अब इसमें हम मेयोनीज डालेंगे, इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनेगा पिज़्ज़ा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अब चीज़। ये हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ कराया है। ये हम अच्छी तरह से डाल देंगे चीज़। अब इसमें हम थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। और थोड़े बहुत ऑर्गेनो भी डालेंगे। अब हम करेंगे इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव, फिर हम आपको दिखाएंगे कितना अच्छा चीज़ी बना हमारा पिज़्ज़ा। हमने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो देखिए आप, ये कितना अच्छा यम्मी और ये चीज़ी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आप।